कितना होगा 655 क्या हमने मंथ्स की रिक्रूटिंग की। ऐसे ही दो क्वेश्चन और हैं और इन बाकी के क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, रीग्रुप वंस एंड और टेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहां पर अगर टेंस का रीग्रुप होता है तो टेंस का कीजिए, वंस का रीग्रुप होता है तो वंस का कीजिए, और अगर दोनों का होता है तो दोनों का कीजिए, दोनों का होता है तो दोनों का कीजिए। इस तरीके से रीग्रुपिंग करके आपको इन बॉक्सेस में या इन ब्लैंक बॉक्सेस में आपको फिल करना है। तो हम यहां देखते हैं, देखिए 100 जो है वो 9 से कम है, टेंस भी 9 से कम है, लेकिन यहां पर वंस जो है 9 से ज्यादा है, तो इस वंस की रीग्रुपिंग होगी। देखिए 10 वंस का ग्रुप क्या कहलाता है, 110 कितना होता है 110। तो यहां पर देखिए 4 10s तो है ही, प्लस ये 110 और मिल गया हमें, टोटल कितना बन गया 5 10s। 10 वंस है, 10 वंस का सीधा सीधा 110 बन गया, और वंस कितना हो पहले है हमारे पास 0 वंस, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 5 10s प्लस 0 वंस। तो इसकी रीग्रुपिंग क्या कर देंगे, 100 एज इट इज ऐसे कैसे ही, टेंस कितना हो गया हमारे पास 5 10s, यहां पर हम क्या लिखेंगे 5, और वंस कितने बचे हमारे पास 0, हम यहां लिखेंगे 0 वंस। इस तरीके से हम इसको करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए एडिशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एडिशन, 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, 359 और 465, इनका एडिशन करना है। हम देखेंगे कि इनका जो एडिशन होगा वो 110 की रीग्रुपिंग से होगा। क्या क्यों होगा, क्योंकि जब उनका टोटल करते हैं तो वो टोटल 9 से ज्यादा जाता है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वंस की रीग्रुपिंग करेंगे, देखिए कैसे टोटल करेंगे 9 वंस प्लस 5 वंस, टोटल कितना हो गया 14 वंस, और 14 वंस की जब रीग्रुपिंग करोगे तो कितना आएगा 10 वंस प्लस 4 वंस, 10 वंस का क्या बन जाएगा 110 प्लस 4 वंस। 110 हम कैरी बना करके 10 वाले कॉलम में लिखते हैं, इस 10 वाले कॉलम में कैरी बना के लिखते हैं, कैरी हमेशा ऊपर आएगी, और जो एडिशन आएगा 4 वंस का जो एडिशन आया है उसे हम कहां लिखेंगे नीचे, और यहां पर लिखा है 1 कैरी बना के लिखा है। अब देखिए 10s को जोड़ते हैं, 110 प्लस कैरी वाला 110 जोड़ा पहले, फिर 5 10s प्लस 6 10s, देखिए 1 और 5 6 6 and 6 12 10s, 12 10s की रीग्रुपिंग करते हैं तो कितना आना है 10 10s प्लस 2 10s, 10 10s का ग्रुप क्या होता है 100, 100 प्लस 2 10s, 100 को क्या बना देंगे हम कैरी, क्योंकि 100 10s के फॉर्म में तो आएगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा कैरी, और 2 10s 10s के फॉर्म में, और 100 कैरी बना के हम यहां लेंगे। अब 100 को जोड़ते हैं, देखिए 1 और 3 4 4 और 4 8 8, इस तरीके से ये हमारा एडिशन होगा, तो टोटल कितना आएगा 824।
ये एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम आती है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, देयर वर 245 कॉमास एंड 355 वाइज। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर वर 245 कॉमास, वहां पर 245 कॉमास थी और 355 वाइज। पार्क इन द पार्किंग प्लेस, पार्क की गई थी यानी खड़ी की गई थी यहां पर पार्किंग प्लेस में। 245 कार्स और 355 बाइक्स को पार्किंग प्लेस में खड़ा किया गया था। हाउ मेनी व्हीकल्स वर पार्क्ड इन ऑल, यानी सभी को मिलाकर कितने व्हीकल्स, कितने वाहन वहां पर, कितने जो आपकी बाइक वगैरह या कार्स वगैरह थी वो टोटल कितनी पार्क की गई थी। तो हमें क्या निकालना है, टोटल इन ऑल, इन ऑल का मतलब क्या हो गया, हमें उनका सम करना है, हमें उनका टोटल निकालना है। कैसे लिखेंगे, देखिए कार्स इक्वल टू 245, बाइक्स इक्वल टू 355, और जब हम इनका टोटल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने पर जो एडिशन आएगा वो क्या होगा, टोटल व्हीकल्स या नंबर ऑफ टोटल व्हीकल्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ टोटल व्हीकल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका हम एडिशन करते हैं। सबसे पहले बनता करेंगे 5 + 5 कितना हुआ, 10 months, और 10 months का जब आप रिक्रूटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 10 months की रिक्रूटिंग कितनी होगी, 110 + 0 months, 110 + 0 months, तो 110 तो कहां चला जाएगा, कैरी मंथली चला जाएगा, टेंस के कॉलम में यहां, और 0 months नीचे वंस के कॉलम में, वंस के कॉलम में 0, टेंस के कॉलम में 1, कैरी। अब इसको हम काउंट करते हैं, देखिए 110 + 410 + 510, तो टोटल कितना आ गया, 10 times, टोटल कितना आ गया, 10 times, 10 times की रिक्रूटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 100 + 0 10 100 times चला जाएगा कैरी, 0 tens, टेंस के कॉलम में तो हम क्या लिखेंगे, 0, और 100 में चला जाएगा 100 के ऊपर कैरी। अब इसका हम टोटल करते हैं, देखिए 1 + 2 = 3 और 3 = 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल व्हीकल्स या नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना आ गया, 600, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए इससे पिछली क्लास में हमने इन क्वेश्चंस को किया था। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर में 0 को जोड़ते हैं तो वो वही नंबर आ जाता है, ये हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी थी। जब हम किसी नंबर में 0 जोड़ते हैं या 0 में कोई नंबर जोड़ते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो जहां पर भी 0 जुड़ेगा वहां तो हम वो नंबर ऐसे कैसा लिख देंगे, बाकी के दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7,
तो ये एडिशन कितना जाएगा 79। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे देखिए 581 और 300। जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो जीरो में जो भी नंबर जोड़ोगे वही नंबर आएगा, 1 जोड़ोगे तो 1 और 8 जोड़ोगे तो 8। बाकी इन दोनों का हम एडिशन कर लेते हैं, देखिए 5 + 3 कितना होगा 8, तो यहाँ पर कितना जाएगा 881। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी के क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 15 मंथ्स इसकी रीयूनिंग करते हैं हम, 15 मंथ्स की रीयूनिंग क्या होगी, 10 मंथ्स प्लस 5 मंथ्स। 10 मंथ्स के ग्रुप को क्या बन जाता है, 10 मंथ्स का ग्रुप क्या बन जाएगा 1/10, 1/10 और 5/1 ऐसे क्या ऐसे 5/1, 1/10 5/1 नाम पर देखिए सी ऑप्शन पे 1/10 5/1, तो हम यहां पर सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और ऑप्शन में क्या बनेंगे सी, आंसर में क्या आ जाएगा आपका 1/10 + 5/1 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 45 + 20, 45 + 20 में देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 45 + 20, यहां पर आप देखोगे 5 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 4 को जोड़ोगे तो 6, कितना जाएगा 65 हमारे कौन से ऑप्शन में है बी है, तो हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और यहां आंसर में क्या लिखेंगे 65 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 300 और 200 इनका एडिशन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 300 + 200 और जब आप दोनों को जोड़ेंगे देखिए जीरो को जोड़ते हैं जीरो में तो जीरो ही आता है, ये भी जीरो आएगा ये भी जीरो आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जीरो कितना होगा 5, कितना है हमारा 500। 500 कौन से ऑप्शन में है ए, ए ऑप्शन पर टिक लगाएं, आंसर हमारा क्या होगा 500, ऑप्शन कौन सा आएगा ए। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन 200 + 30। जब आप 200 और 30 को इस तरीके से जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखिए 0 0 0 रहेगा, 0 3, चाहे 0 में 3 जोड़े या 3 में 0 जोड़े 3 ही आएगा और 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप 0 लगा सकते हैं, 2 0 भी कितना आएगा 2, 230 230 का आंसर है ए ऑप्शन, क्या करेंगे ए ऑप्शन यानी आंसर तो कितना आएगा 230 और ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ऐसे 16 और 14 जो 16 और 14 का प्लस करते हैं तो 6 months और 4 months, 6 months + 4 months कितने में जाते हैं 10 months, 10 months, 10 months की आप रिग्रुपिंग करते हैं तो कितना आता है 110 + 0 months, तो 0 months को आप यहां लिखेंगे और 110 को आप क्या बना लेंगे कैरी, कैरी बनाकर आपने यहां लिखा, देखिए 1 + 1 + 1 1 2 3 कितना आ गया 30, तो 30 कहां पर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन पर आपने टिक लगाया, आंसर लिखा 30 और ऑप्शन में क्या लिखा सी। 8 + 7 आप करते हैं तो कितना आता है 15 months या 15 8 + 7 15 बी ऑप्शन पर टिक लगाया 15 आंसर और बी
एडिंग 500 और 193 को एड करते हैं तो हमें जो एडिशन मिलता है, जो सम मिलता है वो कौन सा होता है? देखिए, जब आप 500 और 193 को ऐड करते हैं तो देखिए 0 और 3 कैसे रहेगा? 3 ही रहेगा, 0 और 9 9 ही रहेगा, 5 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 6, यानी 693 आपका आंसर आएगा। ए ऑप्शन पर आप क्लिक लगाओगे, आंसर भी क्या लिखोगे? 693 और ऑप्शन में ए। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पीएससी। नेक्स्ट आता है देखिए, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग। मैंने यहां आपका सी क्वेश्चन लिया है, देखिए इस तरीके से करना है हमें। ये मैं बताता हूं आपको, वंस में 4 दिया हुआ है, यहां कुछ नहीं दिया हुआ है, टेंस में यहां कुछ नहीं दिया हुआ है, नीचे 0 है, 100 में 5 दिया हुआ है, यहां कुछ नहीं दिया हुआ है, और इन दोनों का टोटल, ये इन दोनों का टोटल 732 दिया हुआ है। ये क्या है? सम। सम लिख सकते हो, एडिशन लिख सकते हो, टोटल लिख सकते हो। तो हमें ये देखना है, देखिए वंस में 4 वंस दिया हुआ है और ये डिजिट नहीं दी हुई है, ये डिजिट भी वंस ही होगी, कितने वंस होंगे हमें नहीं पता है, और एडिशन में कितना आ रहा है? 2 वंस। जब ऐसा हो, एडिशन में सम के अंदर दी हुई डिजिट से कम आ रहा हो, दी हुई डिजिट से कम आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर जो टोटल आया है वो 10 से ज्यादा है या 9 से ज्यादा है। अगर ये डिजिट बड़ी है और ये डिजिट छोटी है, ये डिजिट बड़ी है और ये डिजिट छोटी है, इसका मतलब ये जो आंसर आया है आपका, ये कैसा आया है? 9 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, 9 से बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है? 4 में हम कितना जोड़ेंगे? 9 से बड़ी डिजिट आ जाए तो देखिए 4 में हम 5 ऐड करते हैं तो 9 आता है, 4 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 10 आता है, 4 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 11 आता है, और 4 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 12 आता है, और 12 में वंस की डिजिट 2 है। वंस की डिजिट क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 4 में अगर आपने 5 को ऐड किया तो 9 आया, वंस की डिजिट 9 है क्या? नहीं है। 4 में 6 ऐड किया तो 10 आया, 10 से 1 की डिजिट 0 है, ये 0 है क्या? नहीं है। 4 में 7 को ऐड किया तो 11 आया, इसमें 1 की डिजिट क्या है? 1, यहां 1 है क्या? नहीं है। 4 में हमने 8 को ऐड किया, 12 आया, और यहां देखिए वंस की डिजिट 2 है, यहां भी वंस की डिजिट 2 है। हम दो नंबर ऐड करेंगे कि ऐड करने के बाद एडिशन में वंस की डिजिट 2 आ जाए। तो हमने कितना ऐड किया है? देखिए इसमें 8 ऐड किया है, 8 वंस ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाता है? 12 वंस। कितना बन जाता है? 12 वंस। और 12 वंस की जब हम रिकूपिंग करते हैं, देखिए 12 वंस इसकी रिकूपिंग करेंगे, 10 वंस प्लस 2 वंस, 10 वंस का क्या बन जाएगा? 110 प्लस 2 वंस, 110 कहां चला जाएगा? कैरी, कैरी करके कहां चला जाएगा? 10 के कॉलम में।
और टू वंस का आ जाएगा यहां पर, टू वंस वंस के कॉलम में, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा यहां पर एट, तो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है यहां पर एट। अब देखिए वन छोटा है और थ्री बड़ा है, यहां पर देखिए क्या था, फोर बड़ा था और टू छोटा था, इसलिए हमें ये क्या बनाना पड़ा, ट्वेल्व बनाना पड़ा, लेकिन यहां पर वन छोटा है और थ्री बड़ा है, तो हम इसमें ऐसे कौन से डिजिट जोड़े ये थ्री बन जाए, तो देखते हैं इसमें, देखिए देखिए वन में वन जोड़ते हैं तो टू आता है और वन में टू जोड़ते हैं तो थ्री आता है, कितना जोड़ा टू जोड़ा तो कितना आया थ्री, तो क्या कितनी आंसर टू, वन प्लस टू प्लस जीरो कितना हो गया थ्री। अब यहां पर देखिए एडिशन वाले डिजिट बड़ी है और ऊपर वाले डिजिट छोटी है, तो हमें इससे छोटा ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इससे छोटा ऐड करना पड़ेगा, देखिए कैसे फाइव, फाइव प्लस वन ऐड करते हैं तो कितना आता है सिक्स, फाइव प्लस टू ऐड करते हैं तो कितना आता है सेवन, सेवन आ गया हमारा, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें टू, तो ये हमारी डिजिट्स आ जाएंगी, ये डिजिट ये आ गई और ये डिजिट ये आ गई टू टू एंड एट। अब आप इनका टोटल करके देख लीजिए, एट और फोर ट्वेल्व, टू वन कैरी, वन और टू थ्री, फाइव और टू सेवन, तो हमारा जो सम आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस तरीके से हम डिजिट को फाइंड करेंगे, ये एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित हैड 152 मार्बल्स, पीटर हैड 34 मार्बल्स मोर देन रोहित, रोहित के पास 152 मार्बल्स यानी कंचे हैं, कांच की गोलियां हैं, और पीटर के पास रोहित से 34 मार्बल्स ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं 34 मार्बल्स ज्यादा हैं, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे बोथ हैव, दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल्स हैं यानी कितने कंचियां हैं, तो ये आपको निकालना है। तो हम देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास थ्री मार्बल्स हैं और रोहित के पास उससे दो ज्यादा हैं, मेरे पास थ्री है रोहित के पास उससे दो ज्यादा है यानी थ्री प्लस टू, तो रोहित के पास कितनी हो गई फाइव। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं रोहित एंड मार्बल्स, रोहित के पास कितने हैं 152, पीटर है, पीटर एंड मार्बल्स मोर देन रोहित, पीटर के पास रोहित से कितने ज्यादा मार्बल हैं 34, तो पीटर के पास मार्बल कितने होंगे, देखिए मेरे पास थ्री थे, रोहित के पास मुझसे दो ज्यादा हो गए, तो रोहित के पास टोटल कितने हुए फाइव। अब मालूम रोहित के पास कितने हैं 152, लेकिन पीटर के पास रोहित से कितने ज्यादा हैं 34, तो पीटर हैज, पीटर है मार्बल्स, पीटर के पास कितने मार्बल होंगे, इन दोनों का हम क्या कर देंगे एडिशन, इन दोनों का हम क्या कर देंगे एडिशन, तो जो एडिशन आएगा वो पीटर के पास जितने मार्बल होंगे उतना एडिशन आ जाएगा, तो हम इनका एडिशन करते हैं, देखिए ये वंस
टेंस और ये हंड्रेड, यहां पर ये सेकंड है तो हम क्या रख देंगे जीरो, देखिए फोर टू सिक्स और थ्री एट वन एज इट इज, वन और जीरो कितना हो जाएगा वन। तो पीटर के पास कितने मार्बल हुए 186 मार्बल, पीटर के पास कितने मार्बल हुए 186। तो अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे बोथ हैव, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने मार्बल्स हैं ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मार्बल्स को ऐड कर देंगे, पीटर हैड मार्बल्स कितने और रोहित, रोहित हैड मार्बल्स, रोहित के पास कितना है 152, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे ऐड, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया, क्या कर दिया हमने दोनों को ऐड कर दिया, देखिए वंस टेंस हंड्रेड हमने ऐड कर दिया, सिक्स एंड टू एट, सिक्स वंस और टू वंस, सिक्स वंस प्लस टू वंस कितने हो गए एट वंस, हमने एट वंस लिखा, एट एंड फाइव देखिए एट टेंस प्लस फाइव टेंस कितने हो गए थर्टीन टेंस, थर्टीन टेंस की हम क्या कर लेते हैं रिग्रुपिंग, टेन टेंस प्लस थ्री टेंस, टेन टेंस का ग्रुप क्या बन जाएगा वन हंड्रेड, वन हंड्रेड प्लस थ्री टेंस, वन हंड्रेड को हम हंड्रेड की बोलो में क्या बना देंगे कैरी, क्या बना देंगे इसको कैरी, और थ्री टेंस को हम कहां लिखेंगे टेंस की बॉल, देखिए हंड्रेड की बॉल को ऐड करते हैं वन टू थ्री, तो थ्री हंड्रेड थर्टी एट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे 338। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके सभी क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे सबट्रैक्शन। थैंक यू।